नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। 10 साल की बेटी के साथ पिता एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। घटना मुरैना जिले के जौरा की है। पीड़िता ने डर के कारण मां को भी यह घटना नहीं बताई। कंपू थाना क्षेत्र में रहने वाले मामा के घर आने पर मासूम ने अपनी पीड़ा बताई। कंपू थाना पुलिस ने गुरुवार की रात शून्य पर पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला पोस्को एक्ट के साथ दर्ज किया है। बताया गया है कि जौरा निवासी बच्ची अपने मामा के घर ग्वालियर आई थी। बच्ची ने यह घटना अपने ननियाल में बताई। बच्ची ने बताया कि पिछले एक साल से उसका पिता ही मां की अनुपस्थिति में डरा धमका कर दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची आरोपी से इतनी डरी हुई थी कि उसने पिता की काली करतूत किसी को नहीं बताई। बच्ची को उसके ननियाल पक्ष के लोग गुरुवार की रात कंपू थाने लेकर पहुंचे। बच्ची की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल SCWC के द्वारा थाना कंपू को इन्फॉर्म किया गया कि एक 10 वर्षीय बालिका है जो कि जौरा में रहने वाली थी और वह अपने मामा के पास में आई। तो बातचीत के दौरान उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो उसके पिता के उनके द्वारा उसके साथ में जाति की जाती उसके संबंध में थी। और मामा ने बच्ची को लेकर अपने SCWC को ये बात बताई। SCWC के सदस्यों साहब उसने ऐसा बोला और इस पर से सूचना थाना कंपू में दी गई, जिसमें से 0 पर मामला पंजीबद्ध किया गया है और मेडिकल वगैरह की कार्रवाई अभी की जा रही है। तत्पश्चात असल कार्रवाई के लिए थाना जौरा भेज दिया।